Yo, what's up guys, welcome back to the channel. It's a big news for the Honda Activa EV scooter updater. देखो गाइस, ये स्कूटर आपको बहुत ही जल्दी 2022 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च होते मिलेगी और आज की डेट में होंडा एक्टिवा एवी स्कूटर काफी हद तक चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत सारी न्यूज एजेंसी इस स्कूटर से रिलेटेड जानकारी शेयर कर रहे हैं। अभी कुछ रिलायबल सोर्सेज की अगर माने तो होंडा एक्टिवा एवी स्कूटर काफी अच्छे वैल्यूएबल फीचर के साथ लॉन्च होने वाली है इन दी 1 लाख रुपीज इन प्राइस पॉइंट। और इस प्राइसिंग के बदले में जो चीज आपको मिल रही है ना, वो इन डिजाइन स्ट्रक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो। ये काफी यूनिक एंड हार्डेस्ट मटेरियल से बना डिजाइन स्ट्रक्चर है। स्कूटर के फ्रंट साइड में आप एलईडी टीआरएल लाइट्स देख सकते हो। अलॉय व्हील्स और शॉकर्स काफी टफेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं। सीट काफी कॉम्पैक्ट एंड बड़ी दिखाई देती है एंड अंडर द सीट गाइस आपको डुअल बैटरीज मिल जाती है। बेसिकली ये स्वाइपिंग फीचर के साथ आने वाली है जो की 5.5 किलोवाट की होगी। दीज आर रिमूवेबल बैटरीज, सो इजिली आप किसी भी चार्जिंग स्टेशन पे जाके इजिली स्वाइप कर सकते हो। ये प्रोसेस काफी कन्वीनियंट एंड स्मूथ होगी, मतलब 10 सेकंड की ही प्रोसेस होती है। या मे बी अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी से भी इन बैटरीज को विद इन 2 आवर 100% तक चार्ज कर सकते हो इसके दिए गए फास्ट चार्जर से। इन सिंगल चार्ज ये स्कूटर आपको लगभग 370 किलोमीटर तक की IDC रेंज प्रोवाइड करने वाली है। देखो गाइस, पावर जनरेशन में इस स्कूटर का कोई जवाब नहीं है। इसमें यूज जनरेशन 4 AV स्कूटर मोटर लगभग 70 Nm टॉर्क एट डी व्हील प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब स्कूटर की टॉप स्पीड लगभग 115 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। ये मोटर मोर पावर एनर्जी एफिशिएंट है, इसका मतलब आपको बैटरी कम खर्च होगी और आपको एक अच्छी खासी रेंज भी ऑफर की जाएगी। स्कूटर स्मार्ट है तो फीचर भी थोड़े से एडवांस होने चाहिए, जैसे कि इसमें 8.3 इंचेस का TFT टच स्क्रीन OLED डिस्प्ले पैनल लगा हुआ है। यह रन करेगा ओपन सोर्स एंड्रॉइड बेस्ड डिवाइस के साथ में, जो कि 2GB रैम एंड 16GB इंटरनल स्टोरेज रोम के साथ आता है, जिससे स्टोरेज में आप अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन सेव कर सकते हो। साथ में स्कूटर में हेड टू हेड नेविगेशन सिस्टम में GPS, Wi-Fi एंड Bluetooth जैसी कनेक्टिविटी भी मिल जाती है एंड इस कनेक्टिविटी के हेल्प से स्कूटर को आप अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो या मॉनिटर कर सकते हो। हेंस ये स्कूटर 2024 की मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट डिमांडिंग EV स्कूटर होने वाली है। सो किस तरह से इसको आप प्रीबुक कर सकते हो ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल कैच इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए पीस, बाय बाय।